इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मुझे शब्द का प्रयोग इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। अगली रैली में कान पकड़ के इस देश की आधी आबादी से, शक्ति स्वरूपाओं से माफी मांगनी चाहिए। उनको इलाज की आवश्यकता है, नरेंद्र मोदी जी थक चुके हैं, बीमार हैं। लोकसभा चुनाव का शोर आखिरी चरण की ओर बढ़ चला है, जिसके सातवें चक्रव्यूह को भेदने के लिए सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी रणबांकुड़े अपने विरोधियों पर तमाम मुद्दों के शस्त्रों से जोरदार प्रहार कर रहे हैं। ऐसे में इस चुनावी महाभारत में पीएम मोदी ने एक ऐसा जुबानी तीर चलाया जिससे कांग्रेस तिलमिला गई और करारा पलटवार किया। बता दें कि बिहार के पाटलिपुत्र में मोदी ने आरक्षण वाले मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेरा। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन को अपने वोट बैंक से मुजरा करना है तो करे, मैं एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण के साथ खड़ा हूं। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है, मोदी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। सुना आपने कैसे पीएम मोदी ने विपक्ष को मुजरा शब्द के साथ घेरा। प्रधानमंत्री के इस बयान से विपक्ष लाल हो गई और ताबड़तोड़ हमले करने लगी। एक ओर जहां कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने हमला बोलते हुए कहा, धूप में मोदी का दिमाग खराब हो गया है, उन्हें इलाज की जरूरत है, वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने तो पीएम मोदी को देश की महिलाओं का अपमान बताया। इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री को मुझे लगता है अब आराम की जरूरत है, और मैं अमित शाह जी और नड्डा जी दोनों से आग्रह करूंगा, अगर आपकी थोड़ी सी भी वो सुनते हो तो उनका तुरंत इलाज कराएं, उनको इलाज की आवश्यकता है, नरेंद्र मोदी जी थक चुके हैं, बीमार हैं। मर्यादा की एक सीमा होती है, ये कितना महिला विरोधी, कितना औरत विरोधी, कितना नारी विरोधी शब्द है, ये नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए और अपनी अगली रैली में कान पकड़ के इस देश की आधी आबादी से, शक्ति स्वरूपाओं से माफी मांगनी चाहिए। मुजरे शब्द का प्रयोग इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। वहीं कन्हैया कुमार ने भी मोदी के मुजरा वाले बयान पर करारा जवाब दिया। पता है वो क्यों मुजरा का बात बोले हैं, अभी अभी मंडी से आए हैं, तो जो है ना पाटलिपुत्रा में गए तब भी जो हमको लगता है कि उनकी आत्मा जो है ना मंडी में ही रह गई थी। कोई बात नहीं है, आप विवादित बयान दे रहे हैं। नहीं, ये तो प्रधानमंत्री से पूछिएगा, वो आपको इंटरव्यू नहीं देंगे, दिक्कत यही है। मंडी का मुजरा से क्या कनेक्शन? नहीं नहीं, उनका क्या कनेक्शन है कि जो है मुजरा की बात कर रहे हैं? लोकतंत्र है ना, आप हमसे पूछिएगा हमने क्या काम किया, हम आपसे पूछेंगे आपने क्या काम किया। आप अपना संकल्प पत्र लेकर के आइए, हम अपना जो है गारंटी कार्ड लेकर के आएंगे। गौरतलब है कि मोदी के मंगलसूत्र और मुसलमान वाले बयान को लेकर कांग्रेस पहले से ही काफी भड़की हुई है, और अब मुजरा वाले बयान के बाद तो कांग्रेस को नया हथियार मिल गया। 2024 के चुनावी महाभारत में म अक्षर वाली सियासत जोरदार हो रही है। म से मंगलसूत्र, म से मुसलमान, म से मटन, म से मछली, और अब म से मुजरा पर सियासत गर्म है। हालांकि म से महंगाई का मुद्दा सियासी महाभारत से गायब है। जरूरी मुद्दे तो कई और भी हैं, लेकिन जब वो मुद्दे शुरू के चरणों से नहीं दिखे तो आखिरी चरण में तो जनता के असल मुद्दों पर बात करने का सवाल ही नहीं दिख रहा। आपको क्या लगता है, मंगलसूत्र, मुसलमान और अब मुजरा के सियासत क्या रंग लाने वाली है, ये हमें जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।